छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के नगरदा कोरदा गांव में एक घर से स्नेक रेस्क्यू टीम ने 12 नायक सांप के बच्चे निकाले। बताया जा रहा है कि नगरदा कोरदा गांव के बृहस्पति कंवर अपने परिवार के साथ कुछ दिनों से खौफ में रह रहे थे। बृहस्पति कंवर का परिवार इतना डर गया था कि उस कमरे के आसपास जाना ही बंद कर दिया, और जब भी उस कमरे से सांप के बच्चे बाहर निकलते एक एक करके मार दिया जाता था। पर इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी कि उस कमरे को खोलकर ये देखे कि आखिरकार नाग के बच्चे निकल कहां से रहे हैं। ऐसा ही करके कुछ दिन गुजर गए और एक एक करके 5 बच्चे मारे गए। फिर भी बच्चों का निकलना बंद नहीं हुआ तो उन्होंने स्नेक रेस्क्यू टीम के जितेंद्र सारथी को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद स्नेक रेस्क्यू शुरू हुआ और करीब 8 घंटे के कड़ी मेहनत के बाद रेस्क्यू में 12 नाग के बच्चे निकले, जिसके बाद घर वालों के साथ गांव वालों ने राहत की सांस ली। घर वालों ने बताया कि ये कमरा काफी लंबे समय से बंद था और डर से हम सब अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। फिर लगे ताला को तोड़ा गया, धीरे धीरे सभी सामान को बाहर निकाला गया और जहां पे सांप के बच्चे निकल रहे थे उस दीवार को तोड़ा गया। जैसे जैसे दीवार को तोड़कर खुदाई करते गए, वैसे वैसे दीवार और नीचे जमीन से एक एक कर 12 बच्चे निकल गए। 8 घंटे की कड़ी मेहनत भरे रेस्क्यू में 8 नाग के बच्चे निकले, जिसके बाद घर वालों के साथ गांव वालों ने राहत की सांस ली और जितेंद्र सारथी और उनकी टीम की मेहनत की तालियां बजा करके अभिवादन करते हुए प्रशंसा किया गया। जितेंद्र सारथी ने बताया कि ये रेस्क्यू अपने आप में एक चैलेंज था। कोरबा से 52 किलोमीटर दूर ऊपर से 8 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद घर वालों को राहत दिलाना और सांप के बच्चों की जान बचा पाना मेरे लिए गर्व का विषय है। अगर रेस्क्यू नहीं किया गया होता तो एक एक करके बच्चों को मार दिया गया होता, साथ ही घर वाले एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाते। रेस्क्यू के उपरांत दोनों की सुरक्षित कर लिया गया है। सर, जैसा कि आज जानकारी मिला था, नगरदा कुरदा करके एक गांव है जो हमारे कोरबा जिले से करीबन 50 किलोमीटर दूर है और ये जांजगीर चांपा जिला है, और यहाँ एक परिवार है जो काफ़ी लंबे समय से उनके घर पे सांप निकलने की सूचना मिल रही थी और वो काफ़ी लंबे डरे हुए थे। तो उनके कुछ रिलेटिव, उनके परिवार वाले हमारे कोरबा भी रहते हैं, उनके माध्यम से मुझे सूचना मिली और सूचना के उपरांत मैंने उनको बोला कि भाई सांप को भी फिलहाल किसी प्रकार का उसको मारना नहीं है और उसको बैठे रहने देना है। लेकिन घर वालों का कहना ये था कि सांप लगातार निकल रहा है और जिसके करीब 4-5 को इन लोग मार चुके थे और क्या डर का विषय था, इसलिए लगातार मार रहे थे। मैंने उनको मना किया कि भाई मारेंगे नहीं, और वहाँ से फिर हम पूरे कोरबा से पूरी टीम के साथ हम निकले और गांव पहुँच के करीबन 7 से 8 घंटे का जो रेस्क्यू रहा, क्योंकि उसके लिए पूरे घर को तोड़ना पड़ा क्योंकि सांप बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता, वो कोबरा के बच्चे थे और ऐसा लगा प्रतीत हुआ कि कहीं आसपास में ही दीवार के किनारे या जमीन किनारे वो अंडा देके कहीं निकल गई होगी। तो उसके बाद से फिर हम लगातार उसको ढूंढे निकालने का प्रयास किए, लेकिन माँ तो नहीं मिली और फीमेल नहीं मिलने के बाद फिर हम बच्चे काफ़ी सारे मिले, करीबन 1 दर्जन के ऊपर थे, और हमने उसको सुरक्षित रेस्क्यू किया। इसके वजह से जो घर वालों का जो डर था वो खत्म हुआ और निश्चित ही एक अच्छा काम रहा, क्योंकि घर वाले के एक बड़ा हादसा हो सकता था और उसमें से कुछ सांप खत्म भी हो गए थे, और इस तरीके से हमने सुरक्षित गांव वालों को समझाइश देते हुए कि आगे भी इस तरह के सांप को ना मारें, बारिश का समय है, आप लगातार सचेत रहें, सावधान रहें, इस तरीके से हमने रेस्क्यू करके सुरक्षित घर वालों को सुरक्षित किया और साथ ही साथ हमने सांपों को भी सुरक्षित किया। जांजगीर चांपा से राजेंद्र रत्नाकर, CG Vision TV।